मित्रों नमस्कार। आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुचर्चित गीतावली कृति के एक पद की व्याख्या लेकर उपस्थित हूं। गीतावली भी मानस की तरह सात कांडों में विभक्त है। प्रस्तुत पद गीतावली से लिया गया। कई बोर्ड में ये पद संकलित है विद्यार्थियों के लिए और विश्वविद्यालयों के लिए। इस पद की व्याख्या के लिए मुझसे 2-3 महीने पहले प्रयागराज से नीरज जायसवाल और उमेश यादव, इन दो लोगों निवेदन किया था। कुछ दिन बाद अमरीक सिंह काशीपुर उत्तराखंड से, और अभी लगभग 15 दिन पहले कौशलेंद्र प्रजापति सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश का, जिसमें जयसिंहपुर संभवतः वो कोई लक्ष्य कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, शिक्षक हैं, और अक्सर वो मुझसे कुछ सलाहें और स्वयं अच्छे हिंदी विषय के मर्मज्ञ हैं निवेदन किया था। साथियों, मैं अपने इन तीनों चाहने वालों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे निवेदन भी करूंगा कि जब उनका बताया हुआ वीडियो मैं दे रहा हूं तो इसको लाइक करें, तमाम लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग लाभ प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं पद। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर है, दो खंड हैं, हृदय घाव मेरे, और दूसरा खंड है पीर रघुबीर है। उस समय का वर्णन है, लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, मूर्छित हो जाते हैं, अनेक प्रयास के बाद संजीवनी बूटी आती है, मूर्छा टूटती है। जब मूर्छित हैं राम, इतना विलाप कर रहे हैं, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हैं तो राम इतना विलाप कर रहे हैं कि अगर उस खंड को आप कोई रामचरित मानस में पढ़ेंगे, क्लास 12th में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, राम की पीड़ा असहनीय है। यहां तक कह दिया संसार में सब कुछ मिल सकता है, भाई नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा, अस विचार जिए जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता, सगा भाई नहीं मिल सकता। साथियों, लक्ष्मण जी उठ जाते हैं, आंख खोल देते हैं, क्योंकि भगवान राम ने मूर्छित लक्ष्मण को अपने जांघ पर बैठाकर गोद में लेकर विलाप किया है। एक भाई का प्रेम देखते ही बनता है। राम के नेत्रों में आंसू बहते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैं लौट कर वापस दोबारा अयोध्या नहीं जाऊंगा यदि लक्ष्मण को कुछ हो जाता। पत्नी भी चली जाती तो कोई दिख नहीं था, यहां तक पीड़ित होते हैं। अचानक जब उनकी आंख खुलती है, चारों तरफ से लोग उन्हें घेर लेते हैं। राम भी प्रसन्न होते हैं, मूर्छा टूट गई, और लक्ष्मण से पूछा जाता है, अरे भाई कैसा लग रहा है, अब आप ठीक हैं क्या? साथियों, यहीं पर सारा भावात्मक लगाव देखने वाला बनता है। जो व्यक्ति बेहोश है, जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति जिसके अंदर चेतना ही नहीं है, उसे पता ही नहीं क्या हो। जब हमारे घर में कोई बीमार होता है, आईसीयू में होता है, बेहोश होता है, ऑक्सीजन लग रही होती है, डॉक्टर उसे दवा से सुला देते हैं, उसको पीड़ा कम होती है। पीड़ा तो होती है उन स्वजनों को, पीड़ा तो होती है उनके जो साथ में हैं, जो उसके पारिवारिक जन हैं। वही भाव लेकर के लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे हृदय घाव मेरे, हृदय में घाव तो मेरे हुआ है, शक्ति तो मुझ में लगी है, धनुष का तीर शक्ति वेद मेरे हृदय में हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं। बोले क्यों? बोले पीर रघुबीर है, पीड़ा मुझे नहीं हुई, अरे पीड़ा कहीं और। मन देखें आप,
कहीं बात है, कारण कहीं है, कार्य कहीं हो रहा है, पीड़ा है राम के हृदय में, स्नेही जन के हृदय में, बड़े भैया के हृदय में, लेकिन घाव है लक्ष्मण। एक अलंकार होता है असंगति अलंकार, असंगति। संगति कहते साथ को, जहां दो साथ असंगति, संगति न हो, साथ न हो, वहां असंगति होता है। बड़ी सुंदर कई पंक्तियां, एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, दृढ़ उलझत प्रेम का वर्णन है, दृग माने नेत्र उलझ जाते हैं, दृग उलझत, हमने किसी को देखा, क्योंकि देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता है। दृढ़ उलझत आंखें देखती हैं और उलझ जाती हैं, फिर नींद नहीं आती, तपन सूरज में होती है, तपना जमी को पड़ता है, अरे मोहब्बत आंख करती है, तड़फना दिल को पड़ता है। कहते हैं दृग उर्जत उलझते दृष्ट नेत्र हैं, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, उलझ तो नेत्र गए दृग उर्जत। लेकिन होता क्या है, प्रेम आगे बढ़ता है, और वो प्रेम ऐसा बढ़ जाता है कि जब दोनों शादी करने को तैयार होना चाहते हैं, परिवार बाधक बनता है। अगर उनका प्रेम पक्का है तो कभी कोई परिवार छूट जाया करता है। कभी लिखता है दृग उर्जत, अरे टूटत कुटुंब, परिवार टूट जाया। देखिए उलझा क्या, उलझे तो नेत्र, टूटा क्या, परिवार टूट गया। दृग उर्जत टूटत कुटुंब, और बोले जुरत चतुर चित्त प्रीति। अरे भाई स्वाभाविक है, जो चीज उलझेगी वही टूटेगी, जो टूटेगी जोड़ने में उसी में गांठ पड़ेगी। मगर यहाँ कहते नहीं, उलझ तो नेत्र गए, टूट परिवार गया, और जुरत चतुर चित्त प्रीति, उन दोनों चतुर चितेरे, उन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के दिल मिल गए, जुड़ वहां गए, परति गांठ दुर्जन ही। और मजे की बात, एक अनार सौ बीमार, कई बार ऐसा होता है, कॉलेज आदमी भी, लड़की एक है चाहने वाले अनेक हैं, लेकिन शादी किसी एक से हो जाती है, और फिर उस समय क्या होता है, परति गांठ दुर्जन ही, ये जो दुष्ट लोग हैं जो उसको चाहते थे उनके गांठ पड़ जाए। नीरज का पूरा गीत है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, वहीं पर है ना, पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, ये उनकी प्रेम की कथा है, हमारे कानपुर की कथा थी। तो कहते हैं दृग उलझत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित्त प्रीति, अरे परति गांठ दुर्जन ही, दुर्जन ही, दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ गई। दई नई यह रीति, विधाता ने दयु ने ये एक अच्छी परंपरा बना दी। यह होता है असंगति अलंकार, एड़ी में घाव और कपार को सेकत, घाव तो एड़ी में है और सेक कहां रहे कपार, कारण कहीं दूसरी जगह हो और उसका परिणाम उसका कार्य दूसरी जगह दिखाई दे। एक बड़ा सुंदर, तुमने पैरों में लगाई मेहंदी, मेरी आंखों में समाई मेहंदी, तुमने तो पैरों में मेहंदी लगाई, मेरी मेरे नेत्रों में समा गई आकर के लालिमा, वहां प्रेम का भाव है। तो ये इस तरह के उदाहरण हमारे आते रहे। या तुमने, आपने गाना सुना होगा ना, तुमने काजल लगाया दिन में रात, तो कार्य कहीं है कारण कहीं है। साथियों आज अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए, अपने हृदय का प्रेम प्रदर्शित करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, हृदय घाव मेरे, अरे हृदय में घाव तो मेरे हुआ था, लेकिन पीड़ा तो भैया के लिए थी। पीर रघुवीर है, ये राम जानते हैं कितनी पीड़ा है, कि कौन कह रहा है, कब कह रहा है, किससे कह रहा है। पाई सजीवनी, संजीवनी पाकर, उस बूटी का नाम संजीवनी बूटी था जो सुकेन वैद्य ने कही थी, जो द्रोणागिरी पर्वत से आई थी। पाए सजीवन जाग कहत यो, जग करके यो बोले, कौन लक्ष्मण कैसे बोले, प्रेम पुलक, अरे प्रेम में पुलकित होकर, रोमांचित होकर, जब प्रेम में हम पुलकित हो जाते हैं तो कुछ कह नहीं पाते, अनिर्वचनीय हो जाता है प्रेम पुलक। अरे बिसराए शरीर, शरीर की बात भूल गए, शरीर भूल गया, कई बार ऐसा होता है जब हम किसी बात को सोचने लगते हैं किसी एक की ओर, तो पड़ोसी आकर के या हमारे घर का कोई सदस्य ला गया, अरे कहाँ हो, कहाँ थे, वो एकदम चौंक जाते, यही बिसराए शरीरे, और बिसराए शरीरे भी कह सकते हैं कि उनकी पीड़ा थी पता ही नहीं। कई बार हम हॉस्पिटल में होते हैं, हम हो या कोई दूसरा होता है, उसके 10 लोग मिलने चले जाते हैं, उस समय अपनी पीड़ा को भूल कर केवल बातों में लग जाता है। इस समय लक्ष्मण जी भी कहते हैं, प्रेम में पुलकित होकर के, जग करके, अपनी मूर्छा को त्याग करके, शरीर की पीड़ा को भूल करके, विसरा करके कहने लगे, क्या कहने लगे, ये तो लाम बता दी, हृदय घाव मेरे, पीर रघुवीर
घाव भले मुझे लगा हो लेकिन पीड़ा मुझे नहीं हुई, पीड़ा तो भैया को हुई है, रघुनंदन को हुई है, राजीव लोचन को हुई है, राम को हुई है, मोहि कहां पूछत। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो, लक्ष्मण जी कहते हैं मुझसे क्या पूछ रहे हो, अरे पूछो उससे जिसे कुछ पता हो, मोहि कहां बूझत पुण्य पुण्य। अरे बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं, कभी हनुमान पूछ रहे थे, कभी यामुंद पूछ रहे थे, कभी सुग्रीव पूछ रहे थे, कभी अंगद पूछ रहे थे, एक लंबी कतार थी पूछने वालों की। अरे भैया लक्ष्मण कैसे हो, कहां दर्द हो रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, अब तो ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, आदि आदि बातें। मोहि कहां बूझत पुण्य पुण्य। अरे बोले जैसे पाठ अर्थ, बड़ी सुंदर लाइन है, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रहे, जिस प्रकार पाठ का अर्थ, अर्थ माने अर्थ एक्सप्लेन व्याख्या जो मैं कर रहा हूं पद की, चर्चा की रहे, कीर कहते थे तोते को, एक तोते को सिखा दो राम राम, फिर उससे राम का अर्थ पूछो, वो नहीं जानता, उसको सिखा दो गुड मॉर्निंग तो हो सकता है रात में 2 बजे तो कोई बात नहीं चल जाएगी, कहो रात में 10 बजे कह दे गुड मॉर्निंग, उसको उसका अर्थ नहीं पता होता कि उसको केवल बोलना है। लक्ष्मण कहते हैं मुझे खाली एक बात दिखाई दे रही है, घाव भले मेरे रहा हो, राम की आंखें बता रही हैं, राम का शरीर बता रहा है, उनकी भाव विभलता बता रही है, उनकी पीड़ा बता रही है, शरीर का अंग प्रत्यंग बता रहा है, कितने पीड़ित रहे हैं इतने घंटों में। मोहि कहां बूझत, मुझसे क्यों पूछते हो बार बार। अरे जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रहे, जिस प्रकार तोता उसकी चर्चा नहीं कर सकता, वो तो खाली एक रटा रटाया वाक्य बोल सकता है, और उसी प्रकार पाठ का अर्थ जैसे ले लिया। साथियों असंगति अलंकार एक मैंने आपको बताया होगा, असंगति। इसके अलावा देखें आप पुलक की, प्रेम पुलक में अनुप्रास भी हो जाएगा, कई और जगह भी है, जैसे पुण्य पुण्य में पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। उदाहरण अलंकार हो सकता है, आगे मिलेगा आपको उपमा मिलेगा। भाषा के मामले में बता दें आपको, ब्रजभाषा साहित्यकार मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन गोस्वामी जी के तमाम शब्द अवधि के भी समाये हुए। मैं जब लिखता था गीतावली पर इनकी किसी भी कृति में, तो मैं साफ कह दिया करता था इसमें अवधि और ब्रजभाषा का मिश्रण है, पद शैली है, गीयता विद्यमान है, पद गाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिर लक्ष्मण जी कितनी गजब की बात कहते हैं, बोले शोभा सुख क्षति लाह, 4 शब्द हैं, शोभा सुंदरता, सुख उससे होने वाला सुख, प्राप्त होने वाला सुख, क्षति, क्षति शब्द जो है ये देशज है, तद्भव मान सकते, क्षति माने ये है नुकसान जिसे कहते हैं हम, हानि, क्षति हो गई हमारी, क्षति हानि, लाभ, लाभ जो है लाभ माने शोभा सुंदरता, सुख हानि और लाभ। भूप कहां, ये तो खाली राजा जानता है, राजा से कहां की बात आ गई। बोले जैस केवल कांति मोल हीरे, उन्होंने कहा जिस प्रकार हीरा तो खाली अपनी चमक जानता है कि मैं हीरा हूं, और रही मन हीरा कब का है, लाख टका मोमोल, हीरे को कुछ नहीं पता कि इसको पहनने से लाभ होगा, इसको पहनने वाले को हानि होगी, इसको पहनने वाले को सुख मिलेगा, इससे पहनने वाले की सुंदरता होगी, कुछ नहीं पता उसे तो, उसका कुछ नहीं है, तोते की भांति रटे हुए, तोते की भांति हीरे को कुछ नहीं पता, केवल कांति मोल हीरे, वो तो खाली उसकी चमक जानता है, मुझे चमक देनी है, वो मैं चमक दे रहा हूं, मैं भी राम का सेवक हूं, राम के लिए समर्पित हूं, और राम के लिए ही सब कुछ, मां ने कह दिया था जो रघुनाथ आज बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही, तुम्हारा कोई काम अयोध्या में नहीं है, मैं तो राम का सेवक बन करके, पदचर बन करके, अनुचर बन करके, उनका अनुज बन करके, उनके साथ परछाई की तरह लगा हूं, तो उस हीरे की भांति जो खाली अपने को पत्थर मानता है, उसको चमक देना काम है, उसमें लाभ कितना होगा, कितने करोड़ का है, ये केवल राजा जानता है। शोभा सुख क्षति हाभ लाभ हानि भूखा केवल कांति मोल हीरे, तुलसी सुनि सौमित्र वचन, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं सौमित्र सुमित्रा के नंदन, अर्थात लक्ष्मण जी, अरे सुमित्रा नंदन के ऐसे वचन वाणी को सुनकर के सब वहां पर बैठे हुए लोग अचानक भावुक हो उठे। इतने कई बार ऐसा होता ना, भगवान ने करे कभी ऐसा अवसर पड़ा हो, मगर जीवन में तो आते जाते रहते हैं, एक कोई शव रखा हुआ है, तमाम लोग घेरे बैठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अचानक कोई आ जाता है अपना स्वजन, तो एक बार सब चीख करके रोने लगते हैं, वो दर्द वो पीड़ा सहन नहीं होती, कहते हैं तुलसी सुनि सौमित्र वचन,
सौमित्र के वचन, शायद आज का भाई होता तुम्हारे पीछे मर गए, तुम्हारी भाव पत्नी थी, तुमने लगा मुझे आगे भेज दिया। नहीं, राम और लक्ष्मण की जोड़ी आगे बताई हो, जरूर सुनिएगा, आज मैं शीर और नीर की व्याख्या करूंगा। तुलसी सुनी सौमित्र वचन सब, वचन सुनकर के अरे सब, अरे धरी न सकत धीरो धीरे, बहुत सुंदर बात, धरी न सकत, लोग कहते धीरज रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बोले धीरो धीरे, तो धैर्य है, धैर्य नाम की कोई चीज है, धैर्य नाम का कोई पुरुष है, धैर्य नाम की एक शक्ति है, वो भी आज धैर्य धारण नहीं कर सकते, धैर्य धारण नहीं कर सकते था, आज धैर्य भी, धैर्य का भी धैर्य खो गया। धरी न सकत धीरो धीरे, आज धैर्य भी धारण कर नहीं सकते, अनुपमेय उपमा ही नहीं हो सकती, सरस्वती भी हार जाती है वर्णन करने में, लक्ष्मी भी निर्धन हो जाती है, धरी न सकत धीरो धीरे, जो स्वयं में अपने मान उपमान है वो भी आज बेकार हो जाता है, धरी न सकत धीरो धीरे। अरे उपमा राम लखन की प्रीति की, कहते राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा क्यों दी जाए, कैसे दे पाएंगे, किससे, बोले खीरे नीरे। साथियों, खीर शब्द जो है क्षीर से बना है, और नीर जो है नीरे माने नीर पानी से बना है, क्षीर नीर, क्षीर कहते हैं, क्षीर सागर सुना होगा, क्षीर कहते हैं दूध, दूध और पानी की उपमा, बड़ी अनन्य उपमा है, बड़ी साहित्यकार साहित्य में डूबी हुई है, बड़ी अध्यात्म में डूबी हुई है, दोस्ती अगर किसी की देखनी है, मित्रता अगर किसी की देखनी है, तो क्षीर और नीर की, कहते हैं उपमा राम लक्ष्मण के प्रेम की हम दूध और पानी से कर ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं, दूध और पानी की उपमा की तरह इनकी भी उपमा अनुपमेय है। कैसे भाई, दूध और पानी की क्या उपमा है जिसकी इतनी बड़ाई कर डाली, इन राम और लक्ष्मण के बीच में ले आए। साथियों, दूध कीमती होता है, पानी उस दृष्टि से, उस भाव से सस्ता होता है, स्वाभाविक है, आज भी 20 रुपए की बोतल मिल जाती है, दूध नहीं मिलेगा 20 रुपए का उतना। दूध से पानी कहता है, भैया मैं पतला हूं, मैं सस्ता हूं, मैं निःशुल्क मिल रहा हूं, नदियों में बह रहा हूं, मुझे अपनी दोस्ती अपना लो, मुझे अपने पास बुला लो, दूध में पानी मिला दिया जाओ, कहता आ जाओ, और दूध वाला जो है वो दूध में पानी मिला देता है। साथियों, एक लीटर दूध था, एक पाव पानी डाल दिया गया, 1.25 लीटर तैयार हो जाता है। दूध ने क्या किया, अपना रंग दे दिया पानी को, आप नहीं पहचान सकते, वैज्ञानिक थर्मामीटर न लगाया जाए तो, अपना रूप दे दिया, अपना रंग दे दिया, अपना आकार दे दिया, सब कुछ अपने में दे दिया, इतना घुल मिल लिया, दोस्ती करो तो दूध और पानी की तरह मिल जाओ एक में। ये राम और लक्ष्मण की अभी खत्म नहीं हुई बात, उस दूध को हलवाई, जिस समय का पद लिखा गया कल्पना कीजिए, उस समय दूध हलवाई, पहले जमाना था हलवाई, कढ़ाई में तमाम सारा बड़े बड़े भगवानों में दूध खौलाया करते थे, दूध खौलना शुरू होता है, पानी स्वयं बड़ा पीड़ित हो जाता है, रोने लगता है, मनी मन व्याकुल होता है कि अरे आग लग रही है नीचे, जलना पड़ रहा है हमारे मित्र दूध को, अब मैं क्या करूं। जानते हो क्या होता है, फिर वो कहता नहीं, मैं तुम्हें नहीं जलने दूंगा, और फिर बड़े आराम से दूध खौलता है, और खौल करके नीचे गिरना शुरू होता है, पानी दूध के लिए परेशान है, दूध पानी के लिए परेशान है कि मैंने इसको, तब तक और पानी विभल हो जाता है, ये क्या हुआ, और फिर तब तक हलवाई आता है, एक गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर दूध में छींटे मार देता है, फिर जो और एक बार अंत में देखा गया तो जितना दूध था, दूध तो उतने का उतना रहा, जला क्या, पानी ही तो जला। अरे भाई स्वाभाविक है, अगर 1 लीटर दूध में आपने 0.5 लीटर पानी मिला दिया, 1.5 लीटर हो गया, और 1.5 लीटर होने के बाद फिर जब वो खौल करके रखा गया तो 1.25 लीटर तो था, अभी भी ज्यादा है, इसका मतलब है कि पानी भी उसके साथ समाया हुआ है, दूध और पानी को कोई अलग नहीं कर पाता, जब आग करने की कोशिश भी करती है तब ध्यान रखिएगा, तब हलवाई ऊपर से ला करके पानी डाल दिया करता है, छींटे डाल दिया करता है, ये हमेशा। अरे आज भी हमारे घर में महिलाएं कहा करती थी, हमारी दादी कहा करती थी, माँ कहा करती थी, दूध को ऐसे में चढ़ा देना उबलने के लिए, थोड़ा सा पानी डाल देना, ये मित्रता का एक अपना अजब अनोखा रूप रहा है, पानी और दूध का मिश्रण, उसके मुकाबले कोई। तो आज स्वयं तुलसी कहते हैं उपमा राम लखन की प्रीति की, अरे राम लक्ष्मण के प्रेम की उपमा अगर देनी है तो क्यों न दीजिए नीर और क्षीर की तरह दीजिए, इन दोनों भाइयों का प्रेम अटूट है, अमल है, अचल है, अविनाशी है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं,
और इस पद गीतावली के इस पद के साथ मैं गीतावली पुस्तक का है मैं अब आज की अपनी वाणी को अपनी कक्षा को विराम देता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ शेयर करें लाइक करें और आगे बढ़ा दें, लोगों का लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।